हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बुलंद होंगे। और मैं भी मस्त हूँ और बुलंद हूँ, और आप लोग की दुआ से आज मैं पुनः आपके सामने इस यूनिक निभारती कलेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर एनटीपीसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आया हूँ। इसमें 1 से 30 क्वेश्चन नंबर जो है आपका रीजनिंग का होगा, इसका मैं डिस्कशन करूँगा। और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वेरी मतलब विभिन्न चैप्टर का आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन में। इस डिस्कशन को देखने से आप लोग को फायदा क्या मिलेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर इस डिस्कशन को भी आप देखते हैं तो काफी फायदा मिलेगा आपको रीजनिंग में। और पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए। और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मेरा ये डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है। आइए अब मैं अपने विषय पे आते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है मॉडल सेट 10 का पहला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का है। आजकल एसएससी के एग्जाम में भी सीरीज से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में पूछता है, और क्षेत्रीय को एग्जाम देने जाते हैं वहां भी पूछता है। हर एक तरह के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीवीआई। यहां पर क्या है कि देखिए, यहां पर आपको ये जो है आपको 1 2 3 छल्ला है, इसमें भी 1 2 3 छल्ला है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 2 छल्ला ही रहा, नीचे वाला में 3 है, यानी 1 छल्ला इसका गायब हो गया। अब नीचे वाला में देखिए, इस ऊपर वाला में 2 ही है, नीचे वाला में भी 2 बचा ही नहीं, यहाँ से भी 1 छल्ला गायब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ऊपर 1 ही छल्ला बचा है, नीचे 2 है, यानी फिर 1 ऊपर का गायब हुआ। अब की बार क्या होगा, नीचे से 1 छल्ला गायब होगा, यानी एक एक छल्ला ऊपर नीचे वाला हमारा आंसर होगा, जो कि देखिए यहाँ ऊपर में 1 छल्ला, 1 छल्ला नीचे में दिया हुआ। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डाटा सफिशियंसी का है। इसमें कहता है क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिस संख्या को आप गिनते हैं, गिनती वाली संख्या सब प्राकृतिक संख्या ही होती है। नेचुरल नंबर में 4 नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है, 5 x y z u और v में कौन सी सम संख्या है निकालना है। सम मतलब इवेन नंबर, आपको कौन सा सम संख्या है ये पता करना है। अभी आप इसको देखिए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आपका, वहां से आप आंसर कंफर्म नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 कथन का। देखिए कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। अब इस दोनों कथन को मिलाने का प्रयास करते हैं। एक्स वाई जेड यू और भी क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या का मतलब हुआ लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हुआ ना कंटिन्यूअसली, वो लगातार आपको ये दिया हुआ एक्स वाई जेड यू और भी जो है वो क्रमिक संख्या लगातार नंबर है। और इसमें दे रहा है, यहां देखिए जेड एक विषम संख्या है। सपोज दैट आप यहां से अगर इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, आप देखिए जेड विषम संख्या आ गया ना। तो जेड जब विषम संख्या आ गया, कोई भी विषम संख्या आप रखिएगा, मान लिया जाए हम 3 नहीं रखते हैं, हम 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, 1 रखते हैं, कुछ भी आप रखिए, 1 तो नहीं रख पाइएगा, 1 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। कुछ भी आप रखोगे तो आपका इधर और इधर वाला क्या होगा, सम संख्या ही होगा, जाहिर सी बात है। उसके पीछे वाला भी निकल जाएगा, कंटिन्यूसली आपका निकल जाएगा। इसमें आपको पूछ रहा था कौन सी सम संख्या है, सम संख्या आपका कौन हो गया, वाई और आपका यू, वा एक्स और यू, एक्स और नहीं वाई और यू जो है आपका वो क्या हो गया, सम संख्या हो गया। हमको पूछ रहा था सम संख्या। अब ये सम संख्या जो आप निकाले y और u, ये किसकी मदद से निकाले, तो 1 और 2 दोनों कथन की मदद से निकला हमारा आंसर ना, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है, यानी विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, कथन को बढ़िया ढंग से बारीकी ढंग से पढ़ के समझिए। कहता है लोगों की शिकायत है कि त्योहार के मौसम में बस टिकट, त्योहार के मौसम में क्या बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। लोग शिकायत कर रहा है, ये लोगों का शिकायत है कि त्योहार के मौसम में जो है बस टिकट उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब देखिए उस पर क्या निष्कर्ष आएगा,
लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्यौहार के मौसम में यात्रा ना करें, क्योंकि त्यौहार मनाया जाता है खुशियों के लिए, खुशी में लोग यात्रा करते भी हैं, और उसको आप प्रतिबंधित कीजिएगा कि यात्रा ना करें, सलाह दीजिएगा तो आपका निगेटिव सोच होगा यहाँ पर, इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सरकार को चाहिए कि वो त्यौहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है बस में टिकट उपलब्ध नहीं हो पाता है त्यौहार के मौसम में, सरकार को ये व्यवस्था डेवलप्ड करनी होगी, सरकार को ये करना होगा कि त्यौहार के मौसम में बस की संख्या को बढ़ानी होगी, ताकि आने जाने में वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बसों की संख्या व्यवस्था करें, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर दो, या जो कि आपका दिया हुआ है डी नंबर में, आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूअसली आपका क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह का। यहां देखिए इसमें आपको दिया हुआ है वक्तव्य, वक्तव्य बोलते हैं स्टेटमेंट यानी कथन को ही, मान्यताएं हैं, मान्यताएं बोलते हैं एजम्पशन को, यानी पूर्वधारणा हो गया ये। अब देखिए क्या कहता है, श्याम गीता को कहता है, श्याम जो है गीता को कह रहा है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है, यानी अगर श्रीलंका तक जाना चाहती हो तो आप हवा और पानी दोनों का यूज में से किसी का यूज कर सकते हैं, माध्यम है, श्याम बोल रहा है गीता को। पहला मान्यता है गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है, पसंद करना और यात्रा करना में दोनों में फर्क होता है, पसंद करता है अगर कहीं जाना आदमी वहां बार बार वो जाता है, सो करता है, ऐसा आपको स्टेटमेंट से कहीं नहीं निष्कर्ष नहीं निकलता, मान्यता नहीं प्राप्त होता है, यानी पुरधारा नहीं निकाल सकते कि वो बार बार जाती है। हाँ ये चीज़ है, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि गीता श्रीलंका जाना चाहती हो, अब यहाँ पर है पसंद दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा है श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, यहाँ देखिए ये शौक वर्ड जो है ना निगेटिव चीज़ है, सलाह देना अच्छा लगता है श्याम को, ये अगर रहता तो वो सही हो जाता, क्योंकि श्याम सलाह दे रहा है, कोई भी आदमी का एक गुण होता है, क्वालिटी होता है दूसरे लोगों को परामर्श देना, सलाह देना, एडवाइस देना, तो यहाँ पर कह रहा है शौक है, सलाह देना शौक नहीं होता है किसी का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, आपका यहाँ पर दिया एक और दो दोनों निहित है, और यहाँ दिया एक और दो दोनों निहित नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या हमारा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आइए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन में आप देखिए लेटर के पोजीशन के हिसाब से यहां आइएगा, प्लस चार है, नौ चार तेरह, फिर यहां प्लस चार कीजिए तो तेरह में चार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सत्रह हो जाएगा, सत्रह में चार जोड़ेंगे यू, यू में चार जोड़ेंगे तो वाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है छह नंबर, वो आपको मैथमेटिक्स के एज बेस्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो इसमें आइए देखिए बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं हम लोग। आर तथा एस का आयु का अनुपात दिया हुआ है वर्तमान में 3:4 कहिए, 3:2 है दिया हुआ। अब एच की वर्तमान आयु दिया हुआ 117 वर्ष, ठीक है, अब यहां पर देखिए एच का वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, 117 वर्ष, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कहता है आर की वर्तमान आयु एच के वर्तमान आयु का 4/13 है, एच का जब हम निकाल लिए, आर का निकालने की बात हुई, आर का वर्तमान आयु जो है एच के वर्तमान आयु का 4/13 है, यानी 117 का 4/13 हम लोग को निकाल देना है, तो 13 से काटिए, 13 नौ बार में लगेगा, 9 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, आर का उम्र कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर है कि आर का उम्र हो गया 36 और एच आर और एस का, आर और एस का अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, आर और एस का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:2, यानी आर का 3 एस का 2। अब इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर R का वैल्यू 3x मान लेते हैं, बराबर कितना 36, x का वैल्यू यहाँ से काट दीजिएगा तो
12 आएगा, x बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए r का 36 तो s का निकालिए 2x कर लीजिए, x का उम्र कितना हो गया 2 गुना 12 यानी 24 वर्ष। s का निकल गया, r का पता है, h का भी पता है। अब पूछ क्या रहा है कि तो कितने वर्ष पश्चात r तथा s की आयु इस अनुपात में हो जाएगी। अब वर्ष पूछ रहा है, अब देखिए वर्तमान में r और s है ना, r का उम्र है आपको 36 वर्ष और s का उम्र है आपका 24 वर्ष। तो मान लेते हैं कि t वर्ष बाद जो है ये अनुपात जो है हमारा हो जाएगा कितना, 15:11 के। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजिली आपका बन जाएगा 11 × 6 = 66 के 6 बाकी 6 33 39 हो गया प्लस 11 टी हो गया बराबर 15 गुना 24 कीजिएगा 15 × 4 = 60 शून्य बाकी 6 15 × 30 6 36 यानी 360 हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस 15 टी हो जाएगा। अब इसको आप क्या करें, 396 माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये टी है, 15 टी माइनस 11 टी, 15 में 11 घटेगा यानी 4 टी बराबर कितना हो गया, ये घटेगा तो 36। टी का वैल्यू निकालिए तो 9 हो गया, यानी आप 9 वर्ष बाद जो है उसका उम्र का अनुपात जो है इतना हो जाएगा, जो कि आपको 9 दिया हुआ कहाँ, विकल्प ए में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 6 का आपका विकल्प नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, इससे कह रहा है विकल्प का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है रिपेयर, आर ई पी ए कहीं पर है दिया हुआ, ए देखिए वर्ड लेटर दिया है, यहाँ पर कहीं लेटर नहीं है, ए नंबर वर्ड जो है आपका नहीं बनेगा रिपेयर, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है ये 8 नंबर, वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है फ्यूमिक, एफ यू एम आई सी, इसको लिखा गया है 6 21 13 9 3, सारे लेटर का देखिए बाएं से पोजिशन दिया हुआ है। उसी प्रकार एस्टीम, एस टी ई ए एम, एस्टीम को लिखा गया है 19 20 5 1 13, पोजिशन ही है। तो हमको प्रोप का कोड निकालना है, पी आर ओ पी, पी के लिए 16, आर के लिए 18, ओ के लिए 15, पी के लिए 16, 16 18 15 16 16 18 15 16, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 8 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कन्वर्सन ऑफ सिंबल कीजिए। तो कहता है भागा गुना के लिए, गुना प्लस के लिए, माइनस भागा के लिए, तो माइनस यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद है माइनस को प्लस कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर है प्लस है, प्लस को गुना कर देते हैं और इसको भागा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 माइनस 12 प्लस 30 गुना 10 भागा 10 बराबर वाट है। यहाँ का क्या करें, 20 माइनस 12 प्लस आपका यहाँ पर दिया हुआ है 30 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ 20 माइनस 12 प्लस 30 बराबर 30 10, 30 और 20 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 50, 50 में 12 गया तो 50 में 12 घटेगा तो 38, 38 आपका विकल्प में नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में। आइए फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पर जो है दिया हुआ कि भागा प्लस गुना को प्रदर्शित करता है, गुना प्लस को और भागा गुना को और माइनस भागा को और प्लस माइनस को, यहाँ दिया हुआ है माइनस भागा को प्रदर्शित करता है तो यहाँ हो जाए गुना अगर कर देते हैं, उसके बाद माइनस भागा हो जाएगा यहाँ भागा कर देते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस है प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं इसको करके, 20 है गुना 12 बटे 30 हो गया माइनस 10 प्लस 10। अब यहाँ देखिए
दस तियाए तीस, दस दूनी बीस, तीन चौका बारह, चार दूनी आठ माइनस दस प्लस दस, दस दस कट गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा आठ, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। कन्वर्सन ऑफ सिंबल जो है बाद वाला लेते हैं हम लोग, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, किसी दो सिंबल को परस्पर चेंज करेंगे और LHS बराबर RHS करेंगे। इसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर इसमें दिया है भागा का साइन, इसमें भागा का साइन है, भागा का साइन देखिए परफेक्ट है, पूरा पूरा कट रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी ए और डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बच गया हमारा सी और बी। बी में देखिए प्लस और गुना को चेंज करने का रहा। अब देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें दो हो जाएगा, दो माइनस पाँच, इस दोनों को चेंज करें तो प्लस आठ गुना दो, आठ दूनी सोलह, सोलह दो सत्रह, अब देखिए यहाँ पे सत्रह, सत्रह में पाँच जाएगा तो ये आठ दूनी सोलह, सोलह दो अठारह, ये तो आपको इसी से विकल्प से मिल जाएगा आंसर, विकल्प बी से ही। अब देखिए उसको दिखा देते हैं डिस्क्रिप्टिव बना के हम, यहाँ यहाँ पर है बत्तीस भागा सोलह और आपका यहाँ माइनस है पाँच, गुना और प्लस को चेंज करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ गुना हो जाएगा, बराबर तेरह करना, भागा दीजिए दो माइनस पाँच प्लस सोलह बराबर तेरह, सोलह दो अठारह, अठारह में पाँच गया तेरह, यानी तेरह बराबर तेरह हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर बी हो गया। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है 6 और 16 को क्या करें तो हमारा 11 आ जाए, 6 और 16 को ऐड करके 2 से भागा दीजिए 11 आ जाएगा, 16 6 22 होता है, 22 में 2 से भागा देंगे तो 11, फिर यहाँ 2 प्लस 14 करेंगे बाय 2 करेंगे, 14 2 16 होता है, 16 में 2 से भागा दिए 8 हो गया। उसी प्रकार यहाँ 8 प्लस 8 है, 8 प्लस 8 बाय 2 करेंगे भागा देंगे तो 8 ही होगा। फिर यहाँ पर हमारा है 10 प्लस 18 बाय 2 करें, 18 10 28 होता है, 2 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 14, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या है, ये बी एक स्थान इधर खिसका यहाँ आया, फिर एक स्थान खिसक के यहाँ आया, फिर एक स्थान खिसक के यहाँ, अब की बार खिसकेगा डबल बी हो जाएगा, डबल बी के बाद ए आ जाएगा, ऐसा देखिए विकल्प सी में है, आंसर हो गया आपका विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर यहाँ कहते हैं एक वृद्ध आदमी अपनी दैनिक सैर शुरू करता है, वह पूरब दिशा पूरब में दोगुना चलता है, आप दैनिक सैर शुरू करता है और पूरब में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद कहता है फिर उत्तर की तरफ मुड़ करके, यहां से उत्तर की तरफ मुड़ गया और 1 किलोमीटर चल गया, उसके बाद कहता है और 2 किलोमीटर की दूरी, फिर पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर, यहां से पश्चिम की ओर चला और 2 किलोमीटर का दूरी चला, आगे है फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, यहां से दाहिने मुड़ता है 1.5 किलोमीटर, दाहिने मुड़ गया 1.5 km, उसके बाद कहता है अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति ये है, ये दो दोनों समान है, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस, ठीक है, तो आपको ये देखिए कितना एक दिया हुआ है, तो ये भी होगा एक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1.5 प्लस 1 बराबर 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, और प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है, यहाँ से ये किधर है उत्तर, यानी 2.5 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा आपका आंसर, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सायलोगिज्म का, कहता है कोई नल नलिका नहीं है, यहाँ पर एन फॉर नल, कोई नल NL नलिका कर दी नहीं है, दूसरा कथन है कुछ वाल्व नल है, कुछ वाल्व जो है नल ऐसे कर दिए, पहला निष्कर्ष सभी नलिका बल्ब है, ये गलत हो जाएगा, नलिका और बल्ब में कोई संबंध नहीं है, एक नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सभी बल्ब नलिका है, नलिका बल्ब में संबंध ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो सही है, आपका विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
फिगर ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर दिया हुआ आयत हेयर स्टाइल को, ये आयत है हेयर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद वृत्त रेसर्स को, ये रेसर्स है। उसके बाद कहता है त्रिभुज गोताखोर को, त्रिभुज जो है गोताखोर को, और वर्ग पिता को, वर्ग जो है पिता को दर्शाता है। अब देखिए अक्षरों का कौन सा समूह उन पिताओं को प्रदर्शित करता है जो गोताखोर है, पिता भी हो और गोताखोर भी हो। पिता और गोताखोर में संबंध जोड़ने के लिए आप देखिए यहाँ पर पिता और गोताखोर मिल रहा है जी और एक कॉमन, आंसर हो जाएगा हमारा जी ए विकल्प डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन करें क्या हो जाएगा एन, फिर यहाँ पे माइनस टू माइनस टू माइनस टू, फिर माइनस टू करेंगे तो हो जाएगा एक्स, यहाँ पर माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन, ग्यारह माइनस तीन करेंगे तो एच, एन एक्स एच आपका आंसर हो जाएगा जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से देखिएगा बावन में माइनस ग्यारह करते हैं इकतालीस हो जाता है, इकतालीस में माइनस नौ करते हैं तो बत्तीस हो जाता है, बत्तीस में माइनस सात करते हैं पच्चीस, पच्चीस में माइनस पाँच करेंगे तो बीस हो जाएगा, अब बीस में माइनस तीन करेंगे तो सत्रह हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बीस, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से कि कहता है भिन्न चुनने के लिए, यहाँ देखिए छः गुना तीन प्लस वन, ग्यारह गुना तीन प्लस वन, नौ गुना तीन प्लस दो है, तेरह गुना तीन प्लस वन है, आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा भिन्न। अगला क्वेश्चन देखिए फिगर इमेज का क्वेश्चन है, सीधे इसको ऊपर करिए यानी लेफ्ट साइड में ही ऊपर में जिसमें रहेगा ऐसा टाइप का फिगर वही आंसर होगा, तो ये होगा नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट ये, अपोजिट वाला नियरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा घन नहीं बना सकता है, अपोजिट वाला नियरेस्ट नहीं होगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर है सर्कल ये और प्लस कोई भी अपोजिट वाला नहीं तो ये बन जाएगा प्लस स्टार बिंदा प्लस, देखिए प्लस और स्टार अपोजिट है ना तो ये नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कथन में कि न्यूजीलैंड में कामकाजी लोगों की औसत आयु 58 वर्ष है, यानी न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसमें काम करने वाले लोगों का औसत उम्र निकाला गया है 58 वर्ष दिया हुआ है, वातावरण की स्थितियां उत्तम होने के कारण न्यूजीलैंड में मृत्यु दर बहुत कम है, वातावरण की स्थिति जो है बहुत अच्छा है उत्तम है जिसके कारण कि न्यूजीलैंड में मृत्यु दर बहुत कम है। पहला निष्कर्ष कहता है न्यूजीलैंड में कार्य के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा में युवाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता है, यहाँ देखिए कहीं भी यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसकी जानकारी मिलती है गलत हो जाएगा, न्यूजीलैंड में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, यहाँ पर आपको देखिए कामकाजी लोग 58% है न्यूजीलैंड में, काम करने वाले लोगों का औसत दे रहा है 58 आयु उम्र, यानी कि न्यूजीलैंड में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड में जो है रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दो ए सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते, आइए क्वेश्चन 22 नंबर जो है हमारा ये देखिए मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का युग 49 वर्ष है, श्याम की आयु राम की आयु से दोगुने का अंतर आपको 8 दिया हुआ, तो राम की आयु क्या है, मान लीजिए राम की आयु जो है हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो कहता है श्याम की आयु राम की आयु के दोगुना, श्याम की आयु जो है राम की आयु के दोगुना यानी 2x में 8 का अंतर है, अगर आप इसमें 8 घटा दें निकल जाएगा किसका उम्र, एक मिनट यहाँ पर श्याम का उम्र यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 49 माइनस एक्स करके, यहाँ से श्याम का उम्र निकल जाएगा आपका
अब यहां पर देखिए क्या है, श्याम का और राम का उन्होंने निकाल लिए। अब क्वेश्चन में कहता है श्याम की आयु और राम की आयु के दोगुने का अंतर। यहां देखिए श्याम की आयु है 49 माइनस एक्स और राम की आयु का दोगुने का अंतर कितना है 8 वर्ष। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे 49 माइनस एक्स 2x बराबर 8। अब यहां पर क्या करना है हम लोग को, ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 49 माइनस 3x बराबर 18। अब इसको इधर ले जाइए या उधर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, उधर ही ले जाएंगे तो माइनस 3x बराबर 18 माइनस 49 हो जाएगा। घटाइए एक, इधर आ गया हमारा 4 यानी हो गया 3। 31 में तो यहाँ पर तो x का वैल्यू निकलेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ एक चीज़, यहाँ माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हमारा खेला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका अंतर 8 वर्ष दिया हुआ है, ये हो गया 49, यहाँ से भी गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे राम के आयु का 2x माइनस 49 और माइनस एक्स बराबर कितना है 8 वर्ष। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 49 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 3x 49 प्लस 8 हो जाएगा। 49 में 8 जोड़िएगा यानी कितना हो जाएगा आपका 57। अब इसको काटिए, एक्स कितना निकल गया 19, आपका 19 वर्ष यानी एक्स किसको माने हैं राम को माने हैं, राम का उम्र कितना निकल गया 19 वर्ष, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए है कि डी में प्लस 1 किए तो ई आया, ई में प्लस 2 किए जी आया, एस में प्लस 3 किए भी, यहाँ प्लस 4 किए, फिर प्लस 5 किए, फिर प्लस 6 किए। उसी प्रकार यहाँ से करेंगे आर से एस, 5 2 7, अब 3 3 6, यहाँ पर आ गए एफ, उसके बाद 5 4 9, 19 5 24 और 19 6 25, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ से देखते कन्वर्सल करते हैं सिंबल में। ए बी का अर्थ दिया हुआ है आपका भागा और सी का अर्थ दिया हुआ है गुना, ए का अर्थ दिया हुआ है जोड़, डी का अर्थ दिया हुआ है घटाना। अब इसको रख करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 96 बाय 12 गुना 4 प्लस 8 माइनस 32 बराबर वाट। यहाँ देखिए 12 अठी 96, 8 चौका 32 प्लस 8 माइनस 32 कट गया, आंसर क्या निकल गया 8, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर आपका। यहाँ देखिए क्या है ना कि लेटर यहाँ देखिए आर आर है, तो पहले तो जितना लेटर है उतना रख दीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू डबल आर, पी क्यू ट्रिपल आर, आंसर आपका क्या हो जाएगा क्यू आर क्यू आर, यानी क्यू आर आपका जहाँ विकल्प हो जाएगा यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पूरब दक्षिण बन जाता है, ये हमारा दिशा है, ये पूरब को कह रहा है कि दक्षिण बन जाता है, उत्तर दिशा में जाने के लिए यानी उत्तर दिशा में जाने के लिए एक व्यक्ति को किस दिशा में जाना चाहिए। ये हमारा डायरेक्शन दक्षिण से यहाँ आ गया, यहाँ से पूरब उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, यही होगा। एक व्यक्ति जाना चाहता है उत्तर, उत्तर जाने के लिए उत्तर जाएगा तो यही दिशा में चलेगा, लेकिन वो रियल में किधर जाएगा, पूरब दिशा की ओर जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, राजू की पत्नी है, राजू की पत्नी जो है राकेश के बेटे की बहन है, राजू की पत्नी जो है राकेश के बेटा की बहन है, तो राजू की पत्नी थोड़ा इधर बना लेते हैं, जगह ज्यादा मिलेगा, पत्नी बना लिए,
राजू की पत्नी राकेश के बेटा की बहन है, एक राकेश बना लीजिए, राकेश का बेटा बना लिए, राकेश की बेटा की ये बहन है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है तो राजू राकेश से कैसे संबंध, यानी राजू जो है राकेश का कौन है ये निकालना है हमको। अब यहाँ देखिए, जब इसके बेटा की बहन इसके लिए बेटी हो गई, इसकी बेटी इसकी पत्नी होगी, इसके लिए क्या होगा, दामाद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दामाद, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लेफ्ट साइड आप बदलिए, तो देखिए लेफ्ट साइड जब जाएगा तो ये वाला पार्ट इस कॉर्नर में आ जाएगा, इस कॉर्नर में देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, मात्र विकल्प सी में ही दिख रहा है, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिगरेट तंबाकू उत्पाद, ये देखिए सिगरेट जो होता है वो तंबाकू उत्पाद ही होता है और शराब इससे अलग हो जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला है, 1/4 पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं ना, जब इसको ऊपर खोलेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह से बन के, और ये जो है ऐसे जाएगा और ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ऊपर जाके, और इसको जब इधर खोलेंगे तो यही वाला पार्ट क्या होगा, इधर आके ऐसे करके ऐसे बन जाएगा यानी पूरा, और ये वाला पार्ट जो है ऐसे करके ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे करके ऐसे। अब आप देख लीजिए, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसे, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसे, ऐसा देखिए किसी विकल्प में मिल रहा है आपको, इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें और इसमें बात जमेगी। अब देखिए क्या है, इसमें और इसमें निकालने के लिए आपको देखना है कि हमारा इधर जो है बंद है, इसमें क्या है दोनों तरफ खोल दिया, ये होगा नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल के दिन।